हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रेन के सीक्रेट पावर्स के बारे में। हाँ, क्या आप जानते हैं कि जितना आप सोचते हैं आपका ब्रेन उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, उससे भी ज़्यादा कैपेबल है। हमारा ब्रेन जो है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, वो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है। लेट्स कैन आप अपनी ड्रीम्स में, अपनी नींद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, और आपके ब्रेन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है कि वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब को भी लाइटन अप कर दे। इन्हीं सारे फैक्ट्स के चलते हम इस वीडियो में बहुत सारे और फैक्ट्स रिवील करने वाले हैं जो हमारा ब्रेन फंक्शन करता है और जिसके बारे में हम लोग शायद जानते हुए भी नहीं जानते, और कैसे वो हमारी एवरीडे लाइफ को शेपन अप करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज मल्टीटास्किंग मिथ। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं, सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग इज वेरी गुड। एक मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ बहुत सारे काम करना। पर क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन ये सब कुछ करने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो किस चीज़ के लिए बना है? वो एक टाइम पे एक ही काम पे ऊपर फोकस करने के लिए बना हुआ है, और अगर उसे स्विच करना पड़े एक काम से दूसरे काम में, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, सो द सेकेंड फैक्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हमारा ब्रेन हर रोज़ चेंज करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जैसा पैदा हुआ है वो वैसे ही मर जाता है, पर ऐसा नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी टर्म है जो बताती है कि ये इस तरह की स्टडी है जो हमारे ब्रेन के बारे में बताती है कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीन्यू करता रहता है। बेस्ड किसके बेसिस पे? कि क्या हम देखते हैं, क्या हम सीखते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम पढ़ते हैं। सो कुछ भी नया सीखना मतलब आपके ब्रेन को चेंज करना। ठीक है, सो हमारा ब्रेन इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। ड्रीम्स, ड्रीम्स दे आर अ पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्वर्स। कभी आपने सोचा है कि एकदम से आप सोकर उठे और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया आ गया? हाउ, कैसे हुआ ये सब? बिकॉज जो हमारा ब्रेन है वो सोते हुए भी बहुत काम करता है, वो हमें हेल्प करता है सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। कुछ क्रिएटिव कनेक्शंस जो होते हैं हमारे ड्रीम्स में, ये उसको भी बनाने की कोशिश करता है। फॉरगेटिंग इज गुड, भूल जाना किसी पुरानी चीज़ को, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज़ को बहुत याद रखते हैं, पर एक्चुअली उससे क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन में ओवरलोडिंग हो गई, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, बहुत सारी एक साथ चीज़ें हो जाएंगी, तो लोड पड़ जाएगा ब्रेन को, और वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा। इसलिए भूल जाना पुरानी बातों को, बेकार बातों को, जिसकी आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैं नहीं, ये साइंस कह रही है। सो ब्रेन फ्रीज इज़न्ट जस्ट अनोइंग, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। क्या कभी आपने सोचा है, आप एक कोई ठंडी चीज़ खा रहे हैं, जस्ट लाइक एन आइसक्रीम इफ यू आर हैविंग, और एकदम से आपको शार्प सा पेन होता है, ऐसा क्यों होता है? इसे बोलते हैं ब्रेन फ्रीज। ये इसलिए होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो अपने आप को शॉक से बचाने के लिए, जो एकदम से टेम्परेचर का चेंज हुआ, एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा टेम्परेचर हो गया, उस जो चेंज इन टेम्परेचर था उसको बचाने के लिए, उससे जो शॉक हो सकता था हमारे ब्रेन को, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें एक शार्प पेन होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन फ्रीज। सो इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ डन बाय आर ब्रेन। इमोशंस एंड मेमरीज, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। यू रिमेंबर इमोशनल मोमेंट्स, कुछ ऐसी यादें जो अच्छी भी थी और बुरी भी थी। आप हमेशा कुछ बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ है उससे हट के कुछ अच्छा हुआ, किसी की शादी हुई, किसी के बेबी हुआ, कुछ बहुत सी पॉजिटिव मेमरीज जो हैं वो हम लोग याद रखते हैं, और कुछ बुरी बातें भी हमें याद रह जाती हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो हमारे इमोशंस को हमारी मेमोरीज के साथ जोड़ता है और वो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो म्यूज़िक है ना,
वो इन सब चीज़ों को बहुत बूस्ट कर सकता है, जो हमारी ब्रेन की पावर है उसको बहुत बूस्ट करने में म्यूज़िक इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। सो कभी भी आप परेशान हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी मन नहीं लग रहा, तो कब आप अपना फेवरेट म्यूज़िक ऑन कीजिए और बहुत और उसको सुनिए। सो आप क्या पाएंगे, कुछ समय के बाद जो आपका ब्रेन है ना, दैट विल फाइंड लाइक फोकस फाइंड करेगा, उसमें एक अच्छी सी खुशी महसूस होगी। सो इट्स लाइक अ वर्कआउट फॉर योर ब्रेन, ठीक है? तो वो उसको हील करने में हेल्प करेगा। आपका ब्रेन हमेशा पैटर्न्स ढूंढता है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल है ब्रेन के लिए पैटर्न ढूंढना हर चीज़ में। चाहे अगर हम क्लाउड्स को देख रहे हैं, चाहे हम हर हर जिंदगी का कोई भी टास्क है, हमारा ब्रेन उसमें एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। क्यों पैटर्न फाइंड आउट करना? इसलिए ताकि वो उसको प्रोसेस करके बहुत जल्दी नई इंफॉर्मेशन को सीख सके। सो ब्रेन लव्स पैटर्न। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, प्लीज कम बैक टू दिस चैनल। एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।